कैसी इंप्रेशन, कैसा आपका? आप इस समय कैमरे पर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई लोग भी देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, जरा सी गाड़ी कैसे नाच रही है। अरे गजब, अरे तेरी, अरे तेरी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित। ये देखो क्या है ये भाई, ये कार की चाबी है, हमारी इंडियन कार की चाबी है, लग नहीं रहा ना, बिल्कुल हटके है। तो भाई जो चीज़ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वो भी इस चाबी की तरह बिल्कुल हटके, उसकी सारी चीज़ें बिल्कुल हटके हैं भाई। अपने पास है बिल्कुल ब्रांड न्यू लॉन्च हुई MG कॉमेट, देख रहे हो यार क्या चीज़ है। ये चीज़ें हम देखते थे बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं ना, बड़े बड़े देश डेवलप्ड जो हैं, उनमें शहरों में चलती हुई दिखती थी ये, और हम देख के कहते थे यार कितनी प्यारी प्यारी सी गाड़ियाँ चलती हैं विदेशों में। लेकिन अब वो चीज़ें इंडिया में है, ये तो अभी एकांत में खड़ी है, अकेले में है, लेकिन जब यही गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पे रुक रही है तो लोग उस टाइमर को देखने की जगह, रेड लाइट को देखने की जगह इसकी तरफ देख रहे हैं। अभी मैं इसको चला के लाया हूँ, अलग ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जा रही है। एक एक करके चीज़ें बताऊँगा क्योंकि बहुत अमेज्ड होने वाले हो, जैसे कि मैं खुद हुआ, छोटी सी गाड़ी में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे फीचर कैसे डाल सकता है कोई, और ये सवाल आप भी पूछोगे इस वीडियो को देखने के बाद। जैसे ही आप सामने से देखोगे इसे तो आपको सिर्फ इसका डिज़ाइन ही अनकन्वेंशनल लगेगा, बाकी गाड़ियों से बिल्कुल हटके। लेकिन जब इसकी चीज़ें देखते हैं ना, इसके फीचर्स देखते हैं, तो वो बिल्कुल ऊपर के मॉडल जो काफ़ी महंगी गाड़ियाँ हैं वो वाली चीज़ें इसमें दिखती है। सबसे पहले हेडलैम्प ही देख लो आप, ये हेडलैम्प बिल्कुल प्योर LED में मिल रहे हैं आपको, वो भी डबल बैरल, ये हो गया LED। उसके साथ यहाँ नीचे देखते हैं तो ये आपको मिल रहा है इंडिकेटर, ये भी कंप्लीट LED। और उसके साथ फ्रंट में देखें तो ये आपको यहाँ दिख रहा है ये स्प्लिट पोर्शन, तो भाई ये भी अपना जो कनेक्टिंग DRL है ना वो वाला सीन मिल जाता है, लाइट पूरी यहाँ से यहाँ तक जलती है। और भाई ये है पूरा का पूरा बड़ी विंडशील्ड के साथ एक व्यू, और छोटी छोटी चीज़ें देखोगे आप खुद कहोगे भाई MG ने इसमें ये क्यों डाल दिया यार, छोटी गाड़ी शहर की गाड़ी सस्ती थोड़ी सी रख देते, पैसे इसके काट देते। लेकिन नहीं, चीज़ें ऐसी ऐसी दी हैं, देखो जरा वाइपर, ओ भाई साहब ये महंगी गाड़ियों वाली चीज़ें हैं, अभी सिर्फ यहीं से शुरुआत हो रही है। अंदर जब आप जाओगे तो आप भी ये कहोगे अरे यार MG ये क्या कर दिया, वाकई में। देखो यहाँ से खोलते हैं इसे, तो ये है अपना चार्जिंग के लिए सिस्टम, पूरा यहाँ पर चार्जर लग जाएगा, और आप इसको अपने घर वाला जो 16 एम्पियर का होता है ना पावर वाला, उसी में सीधा लगा के चार्ज कर सकते हो भाई, 7 घंटे में चार्जिंग फुल, बहुत बढ़िया। और सब ये पूछते हैं सबसे पहले कि भाई कितनी रेंज है, चलो मैं वो बता देता हूँ सबसे पहले स्टार्टिंग में। भाई रेंज है इसकी 230 की कंपनी क्लेम्ड, और जितने मैं चला के आया हूँ अभी आपको दिखाऊंगा जब अंदर की बात करेंगे, फिलहाल बाहर बाहर देख लेते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार कितना बढ़िया आउटपुट देने वाली है। ये है कुछ साइड प्रोफाइल से गाड़ी, छोटी सी है, प्यारी सी है, लेकिन यही इसकी USP बनने वाली है। कंपनी ने जो डेटा दिखाया उसमें बताया 86% लोग दिन में जो ट्रैवल करते हैं उनकी ट्रैवल जो जर्नी है ना 30 किलोमीटर से कम होती है, उनके लिए ये स्पेशली गाड़ी बनाई है। शहर में भीड़ भाड़ में छोटी सी गाड़ी कहीं भी टाइट पार्किंग स्पॉट पे पार्क हो जाए, जल्दी मनूवर हो जाए, इजीली मुड़ जाए, टर्निंग रेडियस सिर्फ 4.3 मीटर का, चौड़ाई देख रहे हो, चौड़ाई ऑल्टो जितनी है इसकी, ठीक। आपको ज़्यादा नैरो लगेगी क्योंकि हाइट है, और हाइट की वजह से अच्छी चीज़ ये है आप ऊँचाई पर बैठते हो, आपको कमांडिंग व्यू मिलता है। अभी वो सारी चीज़ अंदर बताऊँगा, फिलहाल साइड से देख लेते हैं। बड़े बड़े से आपको विंडो एरिया मिल रहा है, बड़े बड़े शीशे मिल रहे हैं, जिस वजह से खुला खुला फील होता है पूरा। 2 डोर है सिर्फ, 2 ही डोर है, और देखो इसमें भी यहाँ पर वो मिल जा रहा है बटन। और भाई जो चाबी है ना अपनी, ये जादुई सी, एक बार दिखा देता हूँ, ये आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से 3 बटन, देखने में तो बड़ी प्यारी सी है। ये हो गया अपना लॉक, वो देखो इंडिकेटर ब्लिंक हो गया, ये हो गया अपना अनलॉक, उसके साथ यहाँ पर दिया हुआ बूट अनलॉक करने का, रिलीज नहीं होगा सिर्फ अनलॉक होगा। लेकिन आपको ये भी वैसे दबाने की ज़रूरत नहीं है भाई, इसमें फीचर ऐसा दे रखा है, पॉकेट में रखे रहोगे आप इस तरह से, गाड़ी के पास जाओगे गाड़ी अपने आप अनलॉक, गाड़ी से दूर जाओगे गाड़ी अपने आप लॉक। और भाई इसमें पुश स्टार्ट भी नहीं दे रखा, मतलब बटन नहीं दे रखा है, आप इसमें गाड़ी में बैठोगे पैडल को प्रेस करोगे गाड़ी अपने आप रेडी भाई भागने को तैयार। क्या क्या चीज़ें डाल दी है भाई, सोच से परे वाली है। बाकी लंबाई की बात कर ले एक बार, कितनी प्यारी सी, छोटी सी, कॉम्पैक्ट सी, और 4 सीटर में है, 2 ही डोर दिख रहे हैं, लेकिन पीछे भी बैठने की जगह है अच्छी खासी। अगर हम हाइलक्स को इसके साथ में ला के खड़ा कर दें तो उसका जो पूरा व्हील बेस है उसके बराबर इसकी लंबाई है, उसकी वो डिमेरिट हो जाती है शहर में चलाने में, कितनी बड़ी है भाई, इसकी यही खासियत है इतनी छोटी जगह में 4 लोगों को बिठा के चल देगी है। पीछे वालों के लिए ये विंडो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक दे दिया है लिखा हुआ। बाकी अगर टायर की बात करें तो टायर आपको मिल जाते हैं कितने, 145/70R12, 12 इंच के आपको व्हील दिए हुए हैं, और बाकी बिल्कुल टिपिकल जो इलेक्ट्रिक वाले व्हील कवर होते हैं वो साथ में लगे हुए हैं। और भाई बहुत भारी भारी डोर हैं इसके, ये देखो अच्छा खासा है,
पूरी गाड़ी हिल रही है, इतना वजन है डोर्स में। और आप कहोगे इसका बोनट वोनट कैसे खुलता है, अभी दिखाऊंगा। बड़े प्यारे तरीके से खुलता है, छोटा सा क्यूट सा। आते हैं पीछे की तरफ, तो ये आपको जैसे आगे दिया हुआ है पूरा कनेक्टिंग, वैसे ही पीछे कनेक्टिंग लाइट दी हुई है, ये अपने आप जलते रहते हैं। कैमरा यहाँ पर दिया हुआ है, MG का लोगो, कॉमेट नाम, जैसे आपको पता है इंटरनेट इनसाइड शुरुआत से देते हुए आ रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें भी वही कनेक्टेड फीचर दिए हुए हैं, टेलीमेटिक्स वाला। इतनी सी छोटी सी प्यारी सी गाड़ी में भी सारे के सारे 55 से ऊपर फीचर दिए हुए हैं। यहाँ पर हो गया अपना स्टॉप लैंप, ठीक है, LED, हर चीज़ LED है इसमें, कहीं भी नॉर्मल बल्ब है ही नहीं। बाकी यहाँ पर रिफ्लेक्टर हो गए, रिवर्स पार्किंग सेंसर वहाँ दिया हुआ, नीचे आपको दिया हुआ है उस तरह से एक और लैंप, बढ़िया। और देख रहे हो कहीं भी इसमें एंटीना नहीं है, छत पर देखो कहीं एंटीना नहीं है ना। तो भाई ये जो यहाँ पर ये दिए हुए हैं इस तरह से तीन तीन लाइन है, ये डिफॉगर नहीं है, ये इसका एंटीना है। ओके, रिपोर्ट हो गई। और क्या बचा पीछे, बाकी पीछे कुछ नहीं बचा, प्यारा सा लुक बचा है बस, ठीक है। तो अब इधर उधर से हो गई बाहर बाहर से गाड़ी पूरी अपनी, अब आते हैं असली मुद्दे पर, इसके इंटीरियर पे। बड़ा प्यारा लग रहा है यार, एक बार डिक्की खोल के दिखाऊं, अभी नहीं अभी आगे दिखाएंगे। चलो भाई, इसमें जैसे ही हम आते हैं तो गाड़ी देखो, डोर खोलते ही यहाँ सब कुछ तैयार कर लिया गाड़ी ने, क्लस्टर व्लस्टर AC ऑन करके गाड़ी बिल्कुल रेडी है कि भाई बैठ जाओ। देखो ब्रेक टू स्टार्ट, अरे भाई गाना शुरू हो गया, क्या बात है, सीने में है मगन भाई। ये स्टार्ट हो गया क्योंकि मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया था इससे, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो से, तो वही कनेक्ट हो जाएगा। आपको बस बैठना है इसमें, ब्रेक पैडल दबाना, गाड़ी चलने लग पड़ेगी, ठीक है। देखो प्रेस ब्रेक टू स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बात कर ले हम भाई, पूरा सॉफ्ट टच ये देखो, ठीक है। उसके साथ स्पीकर दो आगे दे रखे हैं, ट्विटर यहाँ दे रखे, आवाज़ बड़ी प्यारी है। अभी तो मैं गेड़ी मार रहा था यहाँ पर पूरे में, आवाज़ फुल करके बिल्कुल, ठीक है, चिल मार रहे थे यहाँ पर पूरे का पूरा। कितनी कितनी बोतल आ जाएगी यहाँ पर खड़ी खड़ी सीधी सीधी। सीट पे आ जाते हैं तो सीट आप देखो, अंडर थाई सपोर्ट, ओके रिपोर्ट है शहर के हिसाब से है, ठीक। और उसके साथ हेडरेस्ट आपको दे रखे हैं फिक्स है। बाकी सीट बेल्ट देखेंगे तो देखो, वैसे जो स्पोर्ट्स कार वगैरह होती है ना उनमें ये दिया हुआ था, इस तरह से यहाँ दे रखी है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे कि अंदर फील कैसा आ रहा है। तो भाई फील जो है ना वो कुछ ऐसा आ रहा है, कितने प्यारे से कलर वाइट और उसके साथ लाइट लाइट ग्रे दिया हुआ है। और अब एक बार करते हैं इसको बंद, देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रेस ब्रेक टू स्टार्ट। तो बिल्कुल जैसे ही आप गाड़ी के पास आओगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, अंदर का इलेक्ट्रॉनिक चालू हो जाएगा, आप गाड़ी के अंदर बैठोगे और भाई सिर्फ ब्रेक पैडल आप दबाओगे, गाड़ी अपने आप रेडी मोड में आ जाएगी। आप यहां पर जो डायल दिया हुआ है उसको ड्राइव मोड पर डाल के सीधा एक्सेलरेट कर दोगे, गाड़ी चल पड़ेगी। इतना सिंपल दिया है ये भाई, अभी एक एक करके वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल आ जाते हैं यहाँ पर कि आपको दिख क्या रहा है सामने, एक बार इसकी थोड़ी सी आवाज़ कम करते हैं, हाँ थोड़ा सा फ्लो कम हो गया, हाँ। तो भाई दिख क्या रहा है आपको, यहाँ पर दिख रही है कनेक्टिंग एक स्क्रीन, पूरा क्लस्टर ही जबरदस्त लग रहा है भाई। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाला दिया हुआ है, वायरलेस भी चलता हुआ 10 इंच की स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम, उसके साथ यहाँ पर आपको दिया हुआ है जैसा कि बहुत महंगी महंगी गाड़ियों में दिख रहा है आपको, वो क्लस्टर कंप्लीट डिजिटल है। फिलहाल यहाँ पर देखो स्पीडोमीटर इस तरह से आता है, ये हो गई रेंज दिखा रहा है, यहाँ पर कितने परसेंट बैटरी बच रही है। न्यूट्रल मोड में है अभी तो न्यूट्रल आ रहा है, बाकी ट्रिप और सारी चीज़ें ये देखो स्पोर्ट मोड यहाँ पर लिखा रहा है, इस तरह से मिल रहा है। और आप देखिए यार, इसमें आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। मुझे कलर चॉइस बड़ी प्यारी लग रही है अंदर की, बहुत खिला खिला सा प्रीमियम फील दे रहा है ये। बाकी हर चीज़ चेंज है इसमें, इसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं कि दूसरी MG की गाड़ी से उठा हुआ है भाई, हर एक चीज़ बिल्कुल अलग डिफरेंट लेवल पे है। यहाँ पर देखते हैं तो ये आपको दिया हुआ है देखो इस तरह से आवाज़ वगैरह कम करने के, और यहाँ पर बीच में हो गया अपना ओके करने का, ये हो गया लेफ्ट राइट सीक बार का, गाना वाना आगे पीछे करने का। उसके बाद यहाँ पर ये माइक दिया है वॉइस कमांड के लिए, ओके रिपोर्ट। आ जाते हैं यहाँ पर तो ये आपको दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर अपनी ये इन्फॉर्मेशन है, नॉर्मल पावर और कितनी पावर ड्रॉ हो रही है, और उसके साथ साथ इनमें रीजनरेशन भी है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाता रहता है। चलो भाई ये हो गई यहाँ की कहानी। स्टीयरिंग व्हील में एडजस्टमेंट भी है इसमें, ये देखो नीचे किया ये ऊपर इस तरह से, और बस टिल्टर टेलीस्कोपिंग नहीं है। यहाँ पर देखते हैं तो ये हो गया हेडलैम्प जो कि मैनुअल दिया हुआ है, और यहाँ पर ये हो गया अपना वाइपर जो कि मैनुअल दिया हुआ है। बहुत प्यारे से प्रीमियम फिनिश के साथ मिल रहे हैं ये, देख रहे हो AC वेंट क्रोम भी है, साथ में साटन फिनिश सिल्वर वाली। उसके नीचे आपको मिल जाते हैं AC कंट्रोल्स, और क्या बात है क्या बात है, ओ भाई साहब 9, ओ भाई और तेज हो गया, बड़ा जबरदस्त रो है, जरा सी गाड़ी है और भाई चिल्ड मार देगा ये। यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच दिया हुआ है, उसके साथ साथ फ़ोन रखने की जगह अच्छी खासी है,
उसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको इस तरह से कप होल्डर दिया है, यहाँ पर ठंडा कर लोगे ग्लास, वहाँ पर ठंडा कर लोगे ग्लास, ठीक है। ये हो गया अपना डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM और लाइट देखो ये कितनी प्यारी सी है, डिफ्यूज्ड है बिल्कुल, आंखों में चुभे ना इसीलिए, ठीक है। हजार्ड का देख रहे हो, यहाँ मैं हजार्ड का भी ढूंढ रहा था, हजार्ड का मिला नहीं था, अब दिख रहा कहाँ है ये, यहाँ पर बिल्कुल अलग जगह है। यहाँ पर देखते हैं तो भाई वाइजर में आपको मिल रहा है मिरर, बढ़िया चीज़ है, ड्राइवर के लिए भी है और को ड्राइवर के लिए भी है, वो सारी चीज़ दे रखी हैं जो कि कई बार आपको 20-25 लाख की गाड़ी में नहीं दिख रही, ठीक है। अभी रुक जाओ, अब आप कहोगे देखो एक चीज़ में कम मिल रही है क्या आपको, भाई इसमें USB लगाने का कहाँ है, फ़ोन चार्ज कहाँ से करेंगे, यही तो कहोगे, तो भाई अभी वो भी दिखाता हूँ। बिल्कुल अलग अलग जगहों पर चीज़ें दे रखी हैं इसमें। सबसे पहले तो यहाँ पर ही आप देखो जो अपने मिरर है, मिरर को एडजस्ट करने के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये दिया हुआ है TPMS का बटन, उसके साथ हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। अब देखो जो अपने मिरर है, मिरर के लिए भी डिफॉगिंग का सिस्टम होता है ना यहाँ पर, तो वो यहाँ दे रखा ही है, ठीक है। और उसके साथ अब आ जाते हैं जो USB कंट्रोल्स है, वो आपको दे रखे यहाँ पर, ये है चार्जिंग के लिए, एक है अपना एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले लगाने के लिए, ये नीचे आपको दो दो हुक भी दे रखे हैं ये, ठीक। और अब आप कहोगे बोनट कैसे खोलोगे भाई, बोनट तो खुलवाओ, चलो भाई बोनट भी खोल देते हैं, उसके लिए भी आपको नीचे ही जगह दे रखी है। ये देखो ये रहा, ये खोला और ये खोला, दो बार कर दिया। और अगर आप कहोगे कि भाई अगर मुझे यहीं पर ही बंद करना है इसे, तो मैं कैसे बंद करूँगा इसे, तो भाई उसके लिए एक और यहाँ पर बटन दिया हुआ है कि अगर आप बिना गाड़ी को वैसे बंद करें है ना, ऑफ करना चाहते हो, तो इसको दबाया गाड़ी ऑफ हो गई, क्या बात है, बढ़िया दिया ना। चलो इसको कर लिया हमने ओके रिपोर्ट, अब यहाँ से इसको ऊपर खोल देते हैं। तो ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा तांग हम छोटी सी खिड़की में, जरा सी जगह में, यहाँ पर ही आपको जो अपना पानी है उसका रिजर्वायर मिल रहा है, विंडशील्ड वगैरह धोने के लिए, उसके साथ ये हो गया अपना ब्रेक ऑयल के लिए, और जहाँ आपको ये दिख जाती है ऑरेंज ऑरेंज तारे, समझ जाते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक का खेल है। और भाई ये आपको यहाँ कंट्रोलर दिख रहा है, अब आप कहोगे हाँ, तो भाई अब आप कहोगे कि भाई आगे तो हमें कंट्रोलर दिख रहा है, मोटर वगैरह आगे कहाँ है, मोटर तो आगे दिख ही नहीं रही, तो बिल्कुल आगे मोटर है ही नहीं, तो भाई मोटर कहाँ है, मोटर है पीछे भाई, ये रियर व्हील ड्राइव है, नैनो देखते थे आप, नैनो भी रियर व्हील ड्राइव होती थी, भाई ये रियर व्हील ड्राइव है, पीछे आपको एक्सल में ही मोटर लगी हुई दिखती है, भाई पीछे से जब पावर मारती है ना ये आगे की तरफ, अलग ही लेवल पे भाग रही है भाई, ज़बरदस्त तरीके से। तो कितनी अलग अलग नई नई जगह पर चीज़ें दी हुई हैं वो आपने देखी, और अब आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका पीछे जाने का सिस्टम, दिखाऊँ ना, वो अभी देखा नहीं आपने, चलो ये हमने खोला और इसको हमने करा ये आगे स्लिप हुई और पीछे, चलो बैठ जा, चलो भाई साहब अंदर बैठते हैं अपने, अब आपको दिखाते हैं स्पेस, ये है कुछ पीछे का मामला, यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट वगैरह बहुत कम है, छोटी सी सीट है, लोकल में कहीं बिठा के ले जाना है घर परिवार को थोड़े से डिस्टेंस पे तो उसके लिए ठीक है, नहीं तो बच्चों के लिए सफिशिएंट है, नहीं तो ये किस काम आएगी भाई, ये काम आएगी सीटें फोल्ड करके इसमें सामान रखने के, कैसे वो आपको दिखाता हूं। अरे फिर बच गया ये, तरसाऊं मैं आगन, हाँ तो इसको करते हैं इधर, अरे ऐसे, हाँ ऐसे, क्या बात है, ठीक है। अब देखो पीछे दिखाता हूँ आपको, अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ से खोलते हैं ना अपने चाबी से, इसको दबा के रखा, हाँ तो ये देखो ये आपको मिल रहा है पीछे बूट स्पेस। अब स्पेस तो इस समय केवल छोटी मोटी थैली वैली रखने का, ये चार्जर वार्जर रखा हुआ है इसमें, यही रखा रहेगा ना, लेकिन आप स्पेस बनाने के लिए इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हो, देखो एक बंदा इधर बैठ जाएगा यहाँ पर सामान, नहीं तो ज़्यादा सामान रखना, तो ऐसे, क्या बात है, हो गया काम पूरा भाई, इतना स्पेस आपको मिल जाएगा और बहुत सही है यार, बच्चे भी बिठा लो, कोई भी पर्सन बिठा लो इमरजेंसी के लिए, बड़ा भी बैठ जाएगा इसमें, उससे ऊपर सामान रखने के लिए इतनी जगह, बहुत बढ़िया। बाकी जो हाइट है ना, यही इसकी मेन USP बन जाती है कि अगर पीछे आपको बैठना है, अगर नीचे होती तो काफ़ी झुक के आना पड़ता, लेकिन अब आपको उतना झुकना नहीं पड़ता, और उसके साथ साथ जब आप बैठते हो तो आप बड़ी कमांडिंग से व्यू पर बैठते हो, बढ़िया। इसको करते हैं बंद और यहाँ पर दिखाते एक बार आपको, दिखा के देखो गाड़ी मैंने खोली, दोबारा से वो चीज़ हो रही है अब, मैं अंदर बैठा, AC, experience something new. अच्छा वेलकम भी कर दिया हमें भाई बोल बाल के, ठीक है। अब देखो अंदर में आया, सब कुछ रिकनेक्ट हो गया अपने आप मेरे फ़ोन से, देखो चालू हो गया एंड्रॉयड ऑटो, यहाँ पर ये रेडी है बिल्कुल, प्रेस ब्रेक टू स्टार्ट, मैंने ब्रेक दबाई
ओके रिपोर्ट हो गई। यहाँ पर मैंने लगाया डी मोड, बस ये हटाया और भाई साहब हूँ जरा से इसी जगह में गोल 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 करके हम घुमा के मजे ले सकते हैं। अब देखो तो भाई लोग भी देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, जरा से सी गाड़ी कैसे नाच रही है। एक बार सीट बेल्ट लगाओ यार। अब जरा सा आगे बढ़ा लेते हैं और इधर को रोड पोंपो सिंगल पोंपो दी हुई है, क्या बात। देखो स्टेरिंग कितना सॉफ्ट है अभी, और जैसे स्पीड पकड़ रहा है ना ये, ओ भाई हार्ड हो जा रहा अच्छा खासा। अरे स्पोर्ट मोड, अरे वाह। अब देखो सीधा खींचू, ओहो अरे गजब, अरे तेरी, अरे तेरी वही सेट है जी। ये आपने अंदर से कार अंदर से लिया? एक एक सेकंड रास्ता खाने दो। हाँ उन्हें लग रहा है कि हमें गाड़ियाँ, क्योंकि हम चला रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है हम मजे ले रहे हैं। जी आपको ये कार कहाँ से मिली, मतलब हमें अगर चाहिए तो? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मीडिया ड्राइव हो रही है अभी। अच्छा। इनकी अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, प्री लॉन्च जो मीडिया ड्राइव होता है वो इवेंट हो रहा है ये एक। हमें टेस्ट ड्राइव नहीं? नहीं 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 अभी नहीं, लेकिन बस और जैसे लॉन्च हो जाती है ना। हाँ अरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिलेगी आपको। एम जी की गाड़ी है, एम जी के शोरूम्स में जैसे आप देखते हैं हेक्टर वगैरह मिलती हैं, वैसे ही वहाँ पर ये खड़ी हुई मिलेंगी। ये अभी कोई अनवीलिंग नहीं हुई है ना। हाँ प्योर इलेक्ट्रिक, रियर व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक। हाँ कैसी इंप्रेशन, कैसा आपका? आप इस समय कैमरे पर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत तो नहीं है। हाँ 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 तो आप हैं? क्यूट लगी हमें कार काफी। क्यूट लगी? हाँ अच्छी है। ये देख रहे थे कि मे बी इफ इट्स ड्राइवेबल वी कैन। हाँ 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 नहीं ये केवल आप ही नहीं थे, बहुत लोग क्यूरियस हुए, लोगों ने पूछा कि भाई थोड़ा ट्राई करने का मिल सकता है। लेकिन अच्छा लग रहा है लोगों का इंटरेस्ट देख कर। और ये कलर कैसा लग रहा है? कलर भी बढ़िया, कलर अच्छा लग रहा है ना। मैं भी लोगों को अभी यही कह रहा था, मैंने कहा बाकी कलर्स में गाड़ी अच्छी लग रही है लेकिन इस कलर में काफ़ी आई कैंडी सी लग रही है ना। हाँ चलिए ओके ओके। तो भाई इस तरह से आ रहे हैं अपने रिएक्शन, और अच्छा लगता है ना। और ये भी देखो यूलू पे घूम रहे हैं इलेक्ट्रिक पर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मस्त लगता है यार है ना, अच्छा सा लगता है। सब ने कोने पकड़ रखे हैं, अभी मैं भी कोने पकड़ के आ रहा हूँ और शूट वूट करके आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो मैं कहाँ था, मैं था यहाँ कि आपके इंप्रेशन क्या है इस गाड़ी को लेकर, आप ज़रूर बताना। जो चीज़ें कंपनी ने डाली है इस छोटे से पैकेज में उससे आप कितना इंप्रेस हुए। तो भाई रखते हैं वीडियो को इतना ही, और वीडियो कैसा लगा, गाड़ी कैसी लगी बताना जरूर। आपको वीडियो चलाओ गाड़ी चल रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों का, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब चैनल को। जय हिंद।